चार तारीख से दसवीं और बारहवीं दोनों कक्षाओं का मूल्यांकन शुरू करने जा रहे हैं। इसमें पहले आमतौर पर हमारे 42 स्पॉट इवेल्यूएशन सेंटर बनते थे, लेकिन इस बार इनकी संख्या बढ़ा के हमने 51 कर दी हुई है और इसमें लगभग 3210 टीचर जो हैं वो हमने एंगेज कर रखे हैं। इसमें मैट्रिक की परीक्षाओं के लिए 1550 टीचर अवेलेबल रहेंगे और प्लस टू की परीक्षाओं के लिए 1660 टीचर्स जो हैं वो अवेलेबल रहेंगे। इसके साथ सर, जो परीक्षा केंद्र में पहली बार बोर्ड ने एक नई पहल की है जिसमें महिलाएं ही जो स्पोर्ट एवेल्यूएशन करेंगी, उसमें क्या रहेगा? हाँ, एक हमने ये एक नई हमने शुरुआत की है, एक ऑल वुमेन स्पोर्ट एवेल्यूएशन सेंटर बनाया है। एक्चुअली होता क्या था, पहले जो बोर्ड की महिला अधिकारी हैं उनको स्पोर्ट एवेल्यूएशन सेंटर्स पे नहीं भेजा जाता था, लेकिन इस बार हमने एक नई पहल की है। इसमें गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल घनियारा में जो लोकेटेड है वहाँ पे हमारा स्पॉट इवेल्यूएशन सेंटर है, उसमें ऑल वुमेन स्टाफ बोर्ड की तरफ से रिपोर्ट किया गया है। कितना स्टाफ जो है इसमें? बोर्ड की तरफ से 4 महिलाएं उसमें लगाई गई हैं और टीचर्स लगभग उसमें 37 हुए हैं। इसके साथ बात करें तो नकल के अभी जो हाल में परीक्षाएं संपन्न हुई हैं, कितने मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं और कब तक इन स्टूडेंट को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा? देखिए, नकल के मामले जो हैं उसमें मैट्रिक में हमारे पास लगभग 13 केसेस प्राप्त हुए हैं और प्लस टू की अगर मैं बात करूं तो 34 केसेस प्राप्त हुए हैं, टोटल 47 केसेस हैं। तो यूएमसी के केसेस जो होते हैं उनको देखने के लिए एक कमेटी बोर्ड द्वारा जो है वो गठित कर दी गई है और इसमें कमेटी जब मिलेगी तो वो फिर इन स्टूडेंट्स को टाइम देगी अपना पक्ष रखने के लिए। क्या प्रयास बोर्ड के रहेंगे कि जल्द से जल्द परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए और कब तक बोर्ड के प्रयास है कि घोषित कर दिए जाएंगे परिणाम? ये मैंने जो पहले भी आप लोगों को इसके बारे में बताया है कि हमारा, क्योंकि एक तो इलेक्शन आ रहे हैं और वैसे भी कुछ हमने इंटरनल चेंजेस किए थे, कुछ हमने ऐप ऐसी बनाई है जिससे हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार हम रिजल्ट जल्दी दे पाएंगे और जिस तरीके से बोर्ड की प्रक्रिया चली हुई है तो मुझे लगता है कि मई के पहले सप्ताह में हम रिजल्ट दे पाएंगे। सर, ऐप का जिक्र किया है, किस तरह की ऐप है और किस तरह ये काम करती है, क्योंकि आपने सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी इसको सफल ट्रायल किया था, अब क्या इसका जो उपयोग है वो फाइनल एग्जाम की चेकिंग में भी किया जाएगा और किस तरह की ऐप है, थोड़ा सा बताएं कि कैसे काम करेगी? नहीं, ये हाँ, इसका अपना जो हमारा जो परीक्षण था इसका वो हमने सप्लीमेंट्री एग्जाम में किया था और सफल रहा था और 15 दिन में हमने सप्लीमेंट्री एग्जाम का रिजल्ट निकाल दिया था। तो ये ऐप बेसिकली बनाई गई है जो हमारे जो स्पॉट इवेल्यूएशन सेंटर है वहाँ पे किस छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए हैं उसको सिस्टम में फीड किया जाता है। तो पहले ये प्रक्रिया होती थी कि वो सारी जो अंक तालिकाएं हैं उनको इकट्ठा करके बोर्ड में लाया जाता था स्पॉट इवेल्यूएशन कंप्लीट होने के बाद, और लगभग 20 से 25 दिन का समय उनको फीड करने में लगता था। लेकिन ये जो ऐप है इसके ज़रिए हम स्पॉट इवेल्यूएशन सेंटर पर ही, जैसे जैसे हमारी इवेल्यूएशन चलेगी उसके साथ साथ ही हम ये मार्क्स जो है वो फील कर पाएंगे। सर, एकलव्य मॉडल स्कूलों की परीक्षा भी जो है आयोजित की जानी है, कितने जगह पे ये आयोजित होगी और कितनी एप्लीकेशन जो है बोर्ड को इस संदर्भ में प्राप्त हुई? इसमें लगभग 800 एप्लीकेशन हमें प्राप्त हुई हैं। ये 4 स्कूल होते हैं, 150 इसमें सीट्स हैं और सेंटर्स का भी हमने डिसाइड नहीं किया क्योंकि अभी वो उसका एनालिसिस बाकी है कि 800 एप्लीकेशन किस किस जगह से हमें आई है। बट आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि पिछली बार हमने इसमें 10 सेंटर बनाए थे, तो इस बार देखेंगे किस जिले से कितनी एप्लीकेशन प्राप्त हुई है उस हिसाब से सेंटर्स बनाए जाएंगे और 28 अप्रैल को ये परीक्षा करवाई जाएगी। इसके अलावा सर, अभी हाल में जो 10वीं 12वीं की परीक्षाएं संपन्न हुई है, बोर्ड के ध्यान में ऐसे भी सेंटर आए हैं जहां पर नकल से संबंधित गतिविधियों की जो फुटेज है बोर्ड ने अपने पास मंगवाई हो? जी हाँ, ऐसे लगभग 7 से 8 सेंटर्स ऐसे हैं हमारे पास जिनकी या तो हमें जनरल पब्लिक के माध्यम से या SDMs के माध्यम से या किसी और माध्यम से हमें ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि वहाँ पे इस तरीके की एक्टिविटीज़ की जा रही थी अनफेयर मीन्स की, तो उन परीक्षा केंद्रों से हमने CCTV फुटेज मंगवाई है और एक कमेटी गठित की है, जल्दी ही कमेटी अपनी जाँच करके CCTV फुटेज पर हमें अपनी रिपोर्ट देगी। के लिए हमने सबसे पहली बात तो यह है कि हमने 24 तारीख तक का हमने समय दिया था कि कोई भी छात्र जो परीक्षा देने से वंचित एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो हमें विभिन्न माध्यमों से एप्लीकेशनें आई हैं, लगभग 38 से 40 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो परीक्षा देने से वंचित रह गए हैं, तो वो अभी हमारी लिस्ट कंसोलिडेट हो रही है। कंसोलिडेट होने के बाद
जल्दी ही इनकी डेटशीट जारी की जाएगी। प्लांड है सर कब तक ये परीक्षाएं? इनकी परीक्षाएं हम इसी अप्रैल में माह में ही करवाएंगे और योजना यह है कि इनका रिजल्ट भी साथ में ही निकाल दिया जाएगा। सर एक और महत्वपूर्ण विषय है, दूसरी से लेकर पांचवीं तक संस्कृत विषय जो है इंट्रोड्यूस किया गया था बोर्ड की ओर से, अभी जो है अब इसको इसको लेकर किस तरह का फैसला हुआ है संस्कृत विषय के संबंध में? इसमें देखिए मैं एक चीज़ स्पष्ट करना देना चाहता हूँ, इसमें दूसरी से नहीं बल्कि तीसरी चौथी पांचवीं ये तीन कक्षाओं के लिए संस्कृत विषय पढ़ाने के लिए पास्ट में बोर्ड की तरफ से निर्णय हुआ था और संस्कृत की एक पाठ्य पुस्तक भी जो है वो बोर्ड द्वारा सर्कुलेट की गई थी, लेकिन फिर बाद में जो इसमें जो टीचर्स की अवेलेबिलिटी का समस्या सामने आई थी और फिर हमने सरकार से दिशा निर्देश मांगे थे कि इसमें क्या इसको आगे बढ़ाया जाना है इस कार्यक्रम को या नहीं, तो सरकार के दिशा निर्देश अब हमें प्राप्त हो गए हैं और सरकार ने सीधे तौर पर दिशा निर्देश ये दिए हैं कि जो संस्कृत विषय है वो छठी कक्षा से ही पढ़ाया जाएगा, तीसरी चौथी पांचवी के लिए जो भी प्रक्रिया बोर्ड की चल रही है पाठ्य पुस्तकें बनाने की उसको बंद कर दिया गया है और तीसरी की जो पाठ्य पुस्तकें पहले से बन चुकी थी उनको लाइब्रेरीज को भेजने का निर्देश दिया गया। टेट की परीक्षाओं का भी आयोजन होगा बोर्ड द्वारा, तो कब ये परीक्षाएं होंगी, किस तरह का शेड्यूल इसमें रहने वाला है? देखिए टेट की परीक्षाएं हम दो बार करवाते हैं जैसे आपको पता ही है, एक बार जून में परीक्षाएं होती हैं और एक बार हम नवंबर में करवाते हैं, तो जो जून की परीक्षाएं हैं वो आपकी 22 जून से शुरू हो जाएंगी और 2 जुलाई तक चलेंगी, और अगर मैं नवंबर की परीक्षाएं की बात करूं तो उनकी भी हमने डेट डिसाइड कर रखी है, 15 नवंबर से वो परीक्षाएं शुरू होंगी और 26-12 तक चलेंगी।